पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा जो खुर्दा के बेगुनिया में 45 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सबसे अधिक हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो बालासोर में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके अलावा भुवनेश्वर में 33.3 और कटक में 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। 1 जून से लेकर आज यानी 11 अगस्त तक का अगर हम सीजनल रेनफॉल की बात करें तो अभी तक 630.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो अभी सामान्य से अभी भी 8% नीचे चल रही है। 9 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर तो डायरेक्टली कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन मानसून ट्रफ के प्रभाव की वजह से जो कि पास कर रही है श्रीगंगानगर, दिल्ली, औरई, सिद्धी, दीघा और फिर साउथ ईस्टवर्ड होती हुई नॉर्थ ईस्ट वे बंगाल तक जा रही है। दूसरा एक ट्रफ लाइन है जो कि राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है, उसके थ्रू होती हुई बांग्लादेश तक जा रही है, अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार और सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, और यह समुद्र सतह से 3.1 किलोमीटर हाइट पर बनी हुई है। इन सिस्टम प्रभाव की वजह से आज उड़ीसा में जो इंटीरियर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज होने की संभावना है, और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज होने की संभावना है। इसी प्रकार नुआपाड़ा, बोलांगीर, बागढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। इन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग की भी संभावना है, और इसके साथ साथ सुंदरगढ़, देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 13 यानी डे टू में वार्निंग नील है। डे 13 को जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा के कई डिस्ट्रिक्ट उसमें बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बोलांगी, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट इन सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की लिए और आइसोलेटेड जो हैवी रेनफॉल होने की संभावना, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी का 14 तारीख को सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। और 15 डे 5 में सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। हेलो 10th एग्जामिनर्स, आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुंट कि जोटी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाइपर तेज TSC गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकाडेमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।